कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का आज पहला साल आज शनिवार को पूरा हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछले एक साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही ये भी कहा कि एक साल में लिए गए बड़े फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में लिखा कि आज से एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में 10 को बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा त्रस्त अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि WHO पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। WHO बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा और अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना रिश्ता खत्म करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन WHO को एक साल में $40 मिलियन देने के बावजूद अपने नियंत्रण में रखता है, जबकि अमेरिका एक साल में WHO को करीब $450 मिलियन का अनुदान देता है। WHO से सुधार को लेकर जो सिफारिश की गई थी उसे लागू नहीं किया गया, इसीलिए अमेरिका WHO से अपना रिश्ता तोड़ रहा है। लॉकडाउन में ढील के बीच भारत में कोरोना वायरस में मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,65,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 7,466 नए मामले सामने आए और 175 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के 89,987 एक्टिव केस है। अब तक 71,105 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कुल 4,706 लोगों की जान जा चुकी है। भारत कोरोना वायरस से प्रभावित शीर्ष 10 देशों की लिस्ट में 9वें स्थान पर आ गया है। गोवा CM प्रमोद सावंत ने कहा कि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ा सकती है। कोरोना की मार से जूझ रहे पश्चिम बंगाल पर अम्फान तूफान का कहर टूटा तो हालात और ज्यादा खराब हो गए। तमाम हाथ मदद के लिए आगे बढ़े और उन्हीं में से एक थे सुपरस्टार शाहरुख खान। शाहरुख खान की IPL क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर ने तूफान से हुई तबाही में मदद करने का ऐलान किया था। शाहरुख खान की टीम ने कई स्तर पर मदद की घोषणाएं की और अब तूफान के बाद हुए नुकसान में भी शाहरुख खान मदद को आगे आए हैं। शाहरुख खान ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि उनकी टीम मेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर तूफान में प्रभावित हुए लोगों की मदद करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को मुलाकात की और उन्हें लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं इस बारे में बात की। इस बारे में मुख्यमंत्रियों के सुझाव से अवगत कराया। मालूम हो कि देश में जारी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके उनकी राय जानी थी। बातचीत के दौरान शाह ने मुख्यमंत्रियों से उन क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी ली जिन्हें राज्य 1 जून से खोलना चाहते हैं।